उत्तराखंड में कल हुए गास पर्व को लोगों ने धूमधाम से मनाया। दिल्ली में भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने गास पर्व मनाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनवा। व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए आज बहुत ही अहम दिन है। हम पिछले कई सालों से ईगास को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे, दुनिया को पहचाने कि उत्तराखंड का त्यौहार कैसे होते हैं, उत्तराखंड के लोक संस्कृति कैसे होती है। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, बहुत ही संतोष का विषय है। आज देश भर के अनेक लोगों ने आके आज ईगास में शामिल हुए हैं, ईगास मनाया है। मैं इन सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ और उत्तराखंड के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बहुत धूमधाम के साथ आज ईगास मनाया है। पुनर्जागरण इसको कहा जाए तो वो कम नहीं होगा, अब कैसा लग रहा है जब आज ईगास उत्तराखंड समेत पूरे देश में जहाँ जहाँ उत्तराखंड के लोग। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड से तमाम मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, विश्व भर से उत्तराखंड के लोग आज विदेशों में भी ईगास के संदेश भेज रहे हैं, तो हम लोगों के लिए एक सम्मान की बात है। उत्तराखंड को पूरे विश्व पटल पे लाना हम लोगों का लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए हम सब लोग काम करते रहेंगे। वहीं जोशीमठ के डीएम हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को 18 किलोमीटर की दुर्गम खड्डी चढ़ाई पैदल तय करते हुए जिले के सबसे दूरस्थ गांव डुमकपु पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुदूरवर्ती गांव किमाड़ा, कलकोट और डुमक में ग्रामीणों की समस्या सुनी और कई विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के दूरस्थ क्षेत्र कलकोट डुमक गांव पहुंचने पर ग्रामीण खासे उत्साहित नजर आए। उन्होंने डीएम का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और अपनी खुशी जाहिर की। डीएम ने कलकोट गांव में एएनएम सेंटर प्राथमिक विद्यालय कलकोट का निरीक्षण किया। कलकोट में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं भी सुनी। शनिवार को बड़कोट में सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी शरोत्सव और विकास मेले का शुभारंभ करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है। बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी आ रहे हैं, कुलदीप शर्मा जी आ रहे हैं, रेशमा शाह जी आ रहे हैं और इसका जो मुख्य आकर्षण है वो यहाँ की लोक संस्कृति। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उस दिन के लिए भी हम एक लोक संस्कृति अपनी जो रवाई का हमारा गाना है उसको तैयार करवा रहे हैं। वही लखनऊ में लखपति दीदी मेले का आयोजन किया गया जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे। दरअसल महिलाओं को रोजगार देने के मकसद से मेले का आयोजन किया गया है। सीएम धामी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान महिलाओं को कौशल विकास विभाग की तरफ से चेक नियुक्ति पत्र दिए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम विकास विभाग की तरफ से किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है, पहले ही जहाँ उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेकों कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से प्रारंभ की जा चुकी हैं। हमने भी निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लखपति दीदी योजना प्रारंभ कर रहे हैं। 2025 तक 1,25,000 बहनों को हम लखपति बनाएंगे। देहरादून से खबर, जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की बैठक। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे कांग्रेस दफ्तर पर बैठक का आयोजन होगा। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे दें, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहेंगे और पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहने वाले हैं। तो सुबह 11 बजे कांग्रेस दफ्तर पर यह बैठक होनी है। कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र यादव, करण महारा, यशपाल आर्य और हरीश रावत इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर से बद्रीनाथ के माड़ा गांव से शुरू करेगी। यात्रा के जरिए सरकार की नाकामी को सामने लाया जाएगा। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात की जाएगी और जिसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो आज बैठक होनी है और बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी, कई मुद्दों को उठाया जाएगा, सरकार की कमियों को उजागर किया जाएगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी
पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। पंकज, बड़ी बैठक आज होनी है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत है वो की जाएगी उत्तराखंड में, लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस का उत्तराखंड में शीर्ष नेतृत्व है आज एक बड़ी बैठक करने जा रहा है, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए गुंजन, कांग्रेस क्योंकि अब पूरी तरह से अपनी रणनीति में बनी हुई है कि जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उन चुनावों को लेकर पूरी तरह से आगामी मंथन तैयार कर दिया जाए, एक बेहतर रणनीति तैयार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के सामने चुनौती है कि जो निकाय चुनाव आगामी आने वाले हैं उनमें किस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया जाए। और संगठन है क्योंकि पिछले दिनों नई कार्यकारिणी का गठन किया जाना है, तमाम चीज़ों को लेकर की जानी है, तो उनको लेकर तमाम पार्टी के बड़े नेताओं के साथ इसमें विचार किया जाना है, मंथन किया जाना है, तो इसीलिए ये बैठक की जा रही है। अल्मोड़ा में अभी बैठक की गई थी और उसके बाद अब देहरादून में यह मंथन किया जाना है। दोनों मंडलों में कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बूथ लेवल पर सभी कार्यकर्ताओं को मजबूत कर दिया जाए और निकाय चुनावों में एक बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर सके। हाल ही में देखिए, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उन चुनावों में जो परिणाम आने चाहिए थे कांग्रेस के सापेक्ष वो नहीं आ पाए थे, उन्हीं को लेकर अब कांग्रेस हर तरह से मजबूत स्थिति को करना चाह रही है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, चाहे कांग्रेस के सभी नेताओं को बुलाया, लेकिन इसमें भी एक खबर जानकारी यह भी मिली है कि कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह, वो बैठक में नहीं आ रहे हैं। कुमाऊं में एक बड़ी बैठक हुई थी, उस बैठक में भी नहीं गए थे और आज भी संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि उनका एक चुनावी प्रचार हिमाचल प्रदेश में लगा हुआ है, तो वो हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं और बैठक में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, उनकी नाराजगी अभी हाल ही में आपने सुना होगा, एबीपी गंगा में उन्होंने एक बयान दिया था कि देवेंद्र यादव जो प्रदेश प्रभारी हैं वो उत्तराखंड में चुनावों के बाद नहीं आए, तो उसी को लेकर ये नाराजगी उनकी चल रही है। माना जा रहा है कि वो आज भी इस बड़ी बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस अब बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना चाह रही है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी की पदयात्रा पूरे देश भर में चल रही है, उसका आगाज उत्तराखंड में नहीं हो रहा है, उत्तराखंड में वो यात्रा नहीं पहुंच रही है, तो उसी के सापेक्ष एक कांग्रेस उत्तराखंड में भी पदयात्रा करने जा रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गांव में आते, जो भारत का अंतिम गांव है चमोली में, उस गांव से ये पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी और पूरे प्रदेश भर में चलाई जाएगी। उसमें कांग्रेस का ये एजेंडा रहेगा कि बूथ लेवल पर जाकर और गाँव स्तर पर, शहर स्तर पर जाकर हर मुद्दों को छानबीन कर सके और ऐसे मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाया जा सके और सड़कों पर उनका आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस का एक मकसद ये भी है कि चुनावों से पहले जो निकाय चुनाव आ रहे हैं पंकज उत्तराखंड में, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से नाराजगी पहले ही सामने आ चुकी है। अगर अपने ही नहीं एक साथ आएंगे तो कैसे भारत जोड़ो यात्रा भी संपन्न हो पाएगी उत्तराखंड में? निश्चित तौर पर वाजिब सवाल आपने उठाया है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से धड़ेबाजी है, चाहे हम किसी भी स्तर पर बात करें, अगर हम बड़े नेताओं में एकजुटता नहीं दिखाने की कोशिश की करेगी कांग्रेस, तो जो चाहे किसी भी स्तर की यात्रा कर ले, फिर किसी भी स्तर से आप जनता के बीच में चले जाए, तो एक मैसेज जो कांग्रेस देना चाह रही है वो मैसेज जनता के बीच में नहीं जाएगा। तो पहले अपने संगठन को मजबूत करना होगा, अपने नेताओं में समन्वय बनाना होगा, ताकि एक मंच पर रहकर, एक ही स्तर पर रहकर हर तरह से कोशिश की जा सके कि सभी नेता एक रूप दिखा रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, और उसी बाद तमाम चीजें सामने आएंगी। कांग्रेस के जो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, चाहे हम कार्यकारिणी की बात करें और जो अभी चुनाव भी हुए थे उसमें भी आप बात देखें, तो तमाम तरह से एकजुटता दिखाने की कोशिश नहीं की गई थी। तो ये कोशिश कांग्रेस कर रही है कि सभी को एक मंच पे लाया जा सके और जो भी आगामी रणनीति है, चाहे संगठन को मजबूत करने की हो या चुनावों को लेकर आगे की रणनीति है, उसको बेहतर तरीके से जमानी स्तर पर उतारा जा सके। गुंजन, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा दौरे के दौरान उत्तराखंड में कांग्रेस के संगठन को लेकर अब प्रदेश अध्यक्ष करण महारा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस की पुरानी परंपरा से हटकर कार्यकारिणी बनाने की बात कही, जिसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि जल्द ही जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भेजी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश की कार्यकारिणी पहले के मुकाबले छोटी होगी और काम करने वाले व्यक्ति को चुना जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार सबको प्रभारी भी बनाया जाएगा। तो 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी लगातार जारी है। हमारी लिस्ट जा चुके हैं, बहुत जल्दी आपको हमारी पहली लिस्ट जो है डिक्लेयर दिखेगी, जिसमें हमारे महामंत्री होंगे, सचिव होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और हमारे क्या कहते हैं वरिष्ठ जो सीनियर्स हैं जिनको विशेष आमंत्रित किया जाता है, उनकी एक सूची गई है। और इस बार आपको मैं कहूँगा कि जैसे पहले 400-500 लोगों की कमेटी होती थी, वो नहीं होगी, बहुत छोटी कमेटी हम लोग बना रहे हैं।
करण महारा को आपने सुना, उनका कहना है कि जल्दी एक सूची जारी की जाएगी। तो तैयारी तो कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, लेकिन जो अलग अलग धड़ बटे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस तैयारी को कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि 24 से पहले किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करती है, और 24 के चुनाव से पहले निकाय चुनाव की भी बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी तैयारी उसके लिए भी करनी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त एक्शन मोड में रहती है, और ऐसे में अगर कड़ा मुकाबला देना है तो कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। देहरादून से अगली खबर, जहां सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक होनी है। भर्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। अलग अलग विभागों में जल्द भर्तियां कराने को लेकर मंथन होगा। अलग अलग विभागों के विभाग अध्यक्ष सीएम को जानकारी देंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होनी है। भर्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी, और जो अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष है सीएम को पूरी जानकारी देंगे, और अलग अलग विभागों में जल्द भर्तियां कराने को लेकर इस बैठक में मंथन भी होगा। तो सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अहम बैठक होने वाली है। भर्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। अलग अलग विभागों में जल्द से जल्द भर्तियां हों, भर्तियां कराने को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा जो अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष हैं सीएम को जानकारी देंगे अपने विभाग से संबंधित, और उसके बाद इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो धामी का मिशन रोजगार क्या है पहले वो आप समझ लीजिए। कार्मिक विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक होनी है, आज ये बैठक होगी। अलग अलग विभागों में भर्तियां जल्द कराना इसका मकसद है, जिसके लिए अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री। अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष पूरी जानकारी देंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी अधिकारियों की ओर से, और उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर बैठक में मंथन किया जाएगा। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। रवि, बड़ी बैठक होनी है, बैठक को लेकर क्या जानकारी, कितने बजे बैठक होगी? और ये तो हमने अपने दर्शकों को बताया कि अधिकारियों की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी अलग अलग विभागों के आधार पर, वो मुख्यमंत्री को दी जाएगी, और उसके बाद भर्तियों को लेकर मंथन होगा। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसका समय 1 बजे है। सचिवालय में मुख्यमंत्री इस बैठक को लेंगे, जिसमें कार्मिक विभाग के अलावा जितने भी विभाग उत्तराखंड में उनके हेड इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और सभी को अपने अपने विभागों में किस तरीके की रिक्तियां हैं उनकी पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने जैसे ही कमान संभाली थी उन्होंने साफ किया था कि उत्तराखंड में जितने भी जो पद रिक्त हैं उनको भरा जाएगा, वो उनकी प्राथमिकता में रहेगा। ऐसे में जिस तरीके से अब तमाम विभागों के विभाग अध्यक्षों को बुलाया गया है, तो उनसे ये जानकारी ली जाएगी कि कितने कितने किन विभागों में खाली हैं। इसके अलावा जो कार्मिक के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो पूरा एक ब्यौरा तैयार किया जाएगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत में यहां पर कहा था कि उत्तराखंड में जिस तरीके से रिक्तियां हैं विभागों में उनको पूरा किया जाएगा, और यहां के नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में अभी अगर माना जाए तो एक अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में 60,000 ऐसे पद हैं जो कि अभी खाली पड़े हैं विभिन्न विभागों के। तो आज जब तमाम विभागों के विभागाध्यक्ष इस बैठक में बैठेंगे तो वो तमाम इस पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है जो कि लोगों से जुड़ी हुई भी है, और उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो लगातार तैयारियां कर रहे हैं। तो तमाम विभागों में अगर भर्तियां शुरू होती हैं तो उनको भी एक मौका मिल सकेगा, और जल्द से जल्द अगर भर्तियां होती हैं तो तमाम जो रिक्तियां हैं जहां पर काम भी प्रभावित हो रहा है वो काम भी पूरा हो सकेगा। तो मुख्यमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, 1 बजे सचिवालय इस बैठक को होना है, और तमाम विभागों के हेड को यहां पर बुलाया गया है, और वो पूरा एक ब्यौरा लेकर आएंगे कि उनके विभागों में कितनी रिक्तियां हैं। क्योंकि साफ तौर पर उत्तराखंड में जिस तरीके से तमाम बेरोजगारी की बातें सामने आती हैं, और ये भी एक बड़ा मसला है कि लगातार इस तरीके की भर्तियां नहीं हो पाती हैं, और अभी जो हाल में जो भर्तियां हुई थी उनमें हम सब ने देखा किस तरीके की बड़े स्तर पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। तो इन तमाम चीज़ों को भी रोका जा सके, क्योंकि मुख्यमंत्री ये भी कह चुके हैं कि नकल के विरोध में ऐसा कानून बने जिसमें आसानी से जो है जो आरोपी है उनको जमानत न मिल सके। तो इन तमाम चीज़ों का जो मसौदा है वो तैयार किया जाएगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। इसमें ये चीज़ें साफ हो सकती हैं कि कितने रिक्तियों के सापेक्ष सरकार तुरंत अब नई भर्तियां निकालने जा रही है उत्तराखंड में। चलिए ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। माँ गंगा को उसी के मायके में मेला करने का षड्यंत्र जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा स्वच्छता के ड्रीम प्रोजेक्ट को जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद प्रशासन दोनों पलीता लगाने पर आमादा है। आपको बता दें कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की पूर्व संध्या पर ही नगर पालिका ने माँ गंगा को कूड़े कचरे से पाट दिया।
आप देख सकते हैं एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरह से गंगा में कूड़ा तैर रहा है। आपको बता दें कि साल 2008 में 4 नवंबर को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। दरअसल 40,000 की आबादी वाले शहर उत्तरकाशी में कूड़े निस्तारण के लिए पिछले 5 सालों से कोई व्यवस्था नहीं। शहर का रोजाना तमाम कूड़ा कचरा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग तांबा खानी पर ही डाला जा रहा है। गंगा नदी से मात्र 20 मीटर की ऊंचाई से गुजरने वाले इस गंगोत्री मार्ग के करीब 400 मीटर हिस्से पर पिछले 4 सालों से कूड़ा डंप किया जा रहा है। इस जगह लाखों टन कूड़े का एक कृत्रिम पहाड़ खड़ा हो चुका है और इसी कूड़े के पहाड़ से रात के अंधेरे में समय समय पर कूड़ा गंगा नदी में धकेल दिया जाता है। ये हाल तब है जब शहर के कूड़े को इकट्ठा करने और उसका वैज्ञानिक निस्तारण करने के लिए पिछले 3 सालों से जीरो वेस्ट नामक एक कंपनी को हर महीने 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। बावजूद इसके ये कंपनी शहर के रोजाना के कूड़े को गंगा नदी में डंप कर रही है और पूरी झील में इस तरह से तैर रही है। नगर पालिका के पास अपना कोई कूड़ा निस्तारण क्या? देखिए अब सवाल ये है कि जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा और जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, खुद ही अधिकारी उस पर पलीता लगाने पर जुटे हुए हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं गंगा नदी की ये तस्वीरें किस तरीके से गंगा मैली होती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि जब शहर के कूड़े को इकट्ठा करने के लिए 3 सालों से एक जीरो वेस्ट नामक की एक कंपनी हर महीने 10 लाख रुपए भी लेती है। अब एबीपी गंगा के सवाल क्या है, उस सवाल को जरा समझते हैं। क्या उत्तरकाशी में कूड़ा निस्तारण के लिए कोई इंतजाम नहीं है? पहला बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, निजी कंपनी को ठेका देने के बाद भी ऐसे हालात आखिर क्यों बने हुए हैं? हर महीने 10 लाख रुपया दिया जाता है, उसके बावजूद गंगा की स्थिति ऐसी क्यों है? नगर पालिका परिषद के जिम्मेदारों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती? गंगा में कूड़ा डंप किया जा रहा तो मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही? क्या ये गंगा नदी किसी को ऐसे नजर नहीं आती? निजी कंपनी के लोगों से अधिकारियों की मिलीभगत तो नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। की तरफ से सीधे तौर से कूड़ा कचरा बहाया जा रहा है और इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इसमें तैरती हुई मृत जानवरों की लाशें हैं, शराब की खाली बोतलें हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, तो और पूरे गंगा जी को इन्होंने कूड़े से पाट दिया है और नगर पालिका 40,000 की आबादी वाली ये नगर पालिका है, इसके बाद कूड़े का निस्तारण के लिए आज तक पिछले 5 सालों से कोई व्यवस्था नहीं है। और दिग्वीर सिंह बिष्ट हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। दिग्वीर, तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि गंगा में किस तरीके से वेस्ट मटेरियल को डाला जा रहा है। हैरानी की बात यह है, क्या किसी अधिकारी की, नगर पालिका की यहाँ पर नजर नहीं जाती? और सबसे बड़ी बात, एक निजी कंपनी को इसकी जिम्मेवारी दी गई है, उसके बावजूद ऐसे हालात है। जी आपको बता दूं, उत्तरकाशी जनपद जब से स्थापित हुआ है तो तब से आज तक उत्तरकाशी में कूड़े का निस्तारण नहीं हो पाया, ना ही कूड़े को कोई स्थायी रूप दिया गया है। लेकिन जिस तरह से जो तांबा खानी के पास एकत्रित कूड़ा एकत्रित किया जाता है, तो ये पहली बार नहीं है जो हम दिखा रहे हैं कि आज कूड़ा पड़ रहा है। कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है और इस बार जो कूड़ा पड़ा है तो पूरा ट्रोला ही जो नगर पालिका और जिला प्रशासन की लापरवाही से पूरा पड़ा है और जो गंगा नदी में पूरा कूड़ा आप साफ साफ देख सकते हैं इस तस्वीर में, इससे पहले भी हमने दिखाया था। अब जो जिस तरह से जो नगर पालिका है वो कूड़े का निस्तारण आज तक भी नहीं हो पाया और 4 साल जो नगर पालिका अध्यक्ष को हो चुके हैं, लेकिन अब 1 साल रह चुका है उनका कार्यकाल को, अभी भी वो कह रहे हैं कि हमारा प्रयास है कि हम लोग कूड़े का निस्तारण करेंगे, लेकिन अभी तक कोई स्थायी कूड़े का समाधान नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहाँ पे ये कूड़ा एकत्रित करके ये सीधे गंगा नदी में डालते हैं तो पूरे तैरते हुए जो पूरे गंगा नदी को दूषित कर रहा है, तो ये बड़ा सवाल है और जिला प्रशासन भी इसमें लापरवाह बना और नगर पालिका को खैर कोई काम ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा कि जिससे कोई कूड़े का निस्तारण हो पाए। बिल्कुल, लेकिन सवाल इसीलिए बड़ा है कि आखिर जो जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं होता? बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।